एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें एसएससी जीडी का में कौन सा व्यक्ति फार्म भर सकता है, कब से इसका फार्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसका फार्म भरना जो स्टार्ट हुआ है 27/10/2022 से इसका फार्म भरना शुरू हो चुका है और इस फार्म भरने का अंतिम डेट है 30/11/2022 तक है। एसएससी जीडी के तहत यह क्लास टेंथ जो पास होगा वही भरेगा, जो भी व्यक्ति क्लास टेंथ पास कर चुका है वो भरेगा, उसके बाद से उसका अब देखते अभी आगे मैं बताऊंगा कि उसका कितना एज होना चाहिए, कितना एज में उसमें छूट दिया है, कौन कौन से जो एनसीसी किए हैं उसमें कितना नंबर का छूट दिया गया है, तो ये सब आगे देखेंगे। लेकिन यह एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन तो आ चुका है और यह फार्म इसका भरना शुरू हो गया कब, 27/10/2022 से लेकर शुरू हुआ है और अंतिम तिथि है 30/11/2022 तक। लेकिन आप लोग लेट मत कीजिएगा, पहले ही आप लोग भर दीजिएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा ये फार्म भरेंगे, लमसम इसमें 24,000 कुछ पद निकले हैं एसएससी जीडी 2022 में। और मान के चलिए 24,000 पद निकला है तो मान के चलिए कि 20,00,000 से कम फार्म नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं इसमें क्या क्या और भी इसका जो एसएससी जीडी के तहत इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति फौज में जाना चाहता है ना तो वह इसी के तहत जाएगा एसएससी जीडी के तहत। फौज में देखिए इसमें बीएसएफ का निकला है और उसके बाद इंडियन तिब्बत का निकला हुआ है। अभी देखते हैं आगे कौन कौन सा निकला हुआ है। अब जैसे कि इसमें निकला है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भर्ती निकला हुआ है हमसे, हमें लग रहा है कि लगभग 10,497 पद निकला है बीएसएफ में। बीएसएफ में निकला एसएससी जीडी के तहत 10,000 टोटल बीएसएफ का निकला हुआ है। उसके बाद से इसमें निकला हुआ है सीआईएसएफ का लमसम निकला हुआ है 100 पद, सीआईएसएफ का 100 पद निकला हुआ है। और उसके बाद से इसमें निकला हुआ है सीआरपीएफ का निकला हुआ है लमसम 8,911 पद निकला हुआ है। और उसके बाद से निकला हुआ है एसएसबी में लमसम निकला हुआ है पद लमसम हमें लग रहा है कि 1284 पद निकला हुआ है एसएसबी में। उसके बाद से आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इसमें निकला हुआ है हमको, हमें लग रहा है कितना फोर्स इसमें लगा है 1613 पद निकला हुआ है। और उसके बाद से निकला है एआर में निकला हुआ है लमसम 1697 पद निकला हुआ है। और उसके बाद से निकला हुआ है एसएसएफ में निकला हुआ है लमसम आपका 103, यानी टोटल मिलाकर 24,369 पद निकले हुए, इतना वैकेंसी निकला हुआ है 2022 में एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के। अब जो भी व्यक्ति इसके रिक्वायरमेंट होगा एसएससी जीडी का, जो उसका फुल उतना पूरा करेगा वही जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब एसएससी जीडी का हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि इसका कितना फिजिकल मांग रहा है कि कितना हाइट चाहिए, कितना मेल के लिए चाहिए, कितना फीमेल के लिए चाहिए, और उसके बाद से इसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो हम देखते हैं इसमें देखिए, और इसमें देखिए कुछ छूट भी दिया गया है कि जैसे कि हर व्यक्ति को 3 साल का छूट दिया हुआ है कोरोना कारण के चलते। लेकिन इसमें सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा छूट दिया है लमसम SC ST, जो भी व्यक्ति SC या ST वर्ग में आता है उसे 5 साल का छूट मिला है। देखिएगा 5 साल का, और उसको 5 साल का छूट मिला है लमसम। जो भी व्यक्ति 18 से 31 वर्ष के बीच में जिसका भी होगा वो व्यक्ति भर सकता है फार्म 18 से लमसम वही 1997 से इसका मांग रहा है, जिसका जन्मतिथि लमसम 1997 में जिसका जन्म हुआ है ना वही भर सकता है लमसम। देख रहे हैं लमसम इसमें कुछ उसको छूट भी दिया सरकार की तरफ से, लमसम 18 से जो 31 वर्ष का होगा वो भी इसमें फार्म भर सकता है। अब वो देखिएगा पहले तो 18 से 24 वर्ष था, लेकिन इस साल कुछ एज छूट दिया इसलिए 31 वर्ष वाला भी भर सकता है, तो इसलिए इस साल तो बहुत ज़्यादा फार्म भरने वाला है। तो इसमें SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है, उसके बाद से OBC का 3 साल का छूट दिया गया है, OBC की कितना साल का तीन वर्ष का छूट दिया गया है। और उसके बाद से एक्स सर्विसमैन है उसको भी 3 साल का छूट दिया गया है। और उसके बाद से कुछ और छूट भी हैं जो 1984 के समुदाय गुजरात में दंगे में जो मारे हुए व्यक्ति थे उनको भी 5 साल का छूट दिया गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन इतना जानिए कि जैसे कि
जो भी व्यक्ति 18 से 31 वर्ष के बीच में उम्र होगा वो भर सकता है। लेकिन देखिएगा बहुत ज़्यादा फार्म और इतना इसमें छूट मिला है और सरकार के तरफ से 3 साल का और छूट मिला है। लमसम मान के चलिए 8 वर्ष का छूट मिल गया एससी एसटी का, 5 वर्ष का मिल गया ओबीसी का, उसी तरह जनरल वाले को भी 3 साल का छूट मिल गया। 3 साल तो सरकार की ओर से छूट मिला हुआ है, तो इतना मिला हुआ है। और सब देखिए अब हम देखते हैं इसका जो सिलेबस है उसमें क्या 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 आना चाहिए। नहीं, जो एनसीसी किया है, जो एनसीसी किया है उसको, जिसमें एनसीसी में 3 प्रकार की डिग्री मिलती है। एक मिलती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलती है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट मिलती है और एनसीसी ए सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिला है उसको कुल नंबर का हमें लग रहा है कि 5% का छूट मिलेगा। लमसम यह टोटल इसका सिलेबस होगा 80 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कितना 160 नंबर टोटल। इस एसएससी जीडी का जो पूर्णांक होगा कितना होगा, 160 नंबर का होगा और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन लमसम 2-2 नंबर का होगा और उसमें लमसम टोटल अब 160 का जैसे 5% निकालिएगा, तो 160 का जब 5% निकालिएगा तो लमसम देखिएगा जिसके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा तो उसको मिलेगा हमें लग रहा है कि 8 नंबर का लमसम, 8 नंबर का छूट मिलेगा जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा। उसी तरह एनसीसी बी का सर्टिफिकेट होगा उसके 3% का छूट मिलेगा। टोटल 160 का 3% निकाल लीजिएगा और उसके बाद एनसीसी ए का ग्रेड का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसे 2% का छूट मिलेगा। इतना तक टोटल छूट मिलेगा, ठीक है, जो एनसीसी किया है उसके लिए किया है। और उसके बाद और कुछ देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं इसमें कुछ जैसे कि सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सिलेबस में देखिएगा, इसमें सिलेबस में आपको आएगा जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का लमसम 20 क्वेश्चन आएगा। लमसम आपको जनरल रीजनिंग ले लीजिए, वही रीजनिंग का आपका कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 20 क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा तो टोटल कितना नंबर हो गया, 40 नंबर का हो गया। तो 40 नंबर का आपका एक टॉपिक हो गया जैसे कि जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग 40 नंबर का आएगा। और उसके बाद से जनरल नॉलेज आपका भी कितना नंबर का आएगा, यह भी आपको 20 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी 40 नंबर का आएगा जीके इसमें भी। और उसके बाद से देखिए कि इसमें आपको एलिमेंट्री मैथ यानी बेसिक मैथ आएगा, आपको बेसिक मैथ भी आपको आएगा कि मैथ में से आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा और वो भी 2 नंबर का आएगा, तो टोटल कितना होगा 40 नंबर। तो 120 नंबर हो गया। उसके बाद से अब देखिए, अब उसमें दिया हुआ है इंग्लिश या हिंदी। अब जिसको हिंदी आता है वो हिंदी चुनेगा या इंग्लिश, जिसको इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़ होगा तो इंग्लिश चुनेगा। तो कोई एक विषय को चुनना है, इंग्लिश आपको आएगा तो इंग्लिश चुनिएगा, हिंदी आएगा तो हिंदी चुनिएगा। यह भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा, टोटल 40 क्वेश्चन यानी 160 नंबर टोटल पूरा कितना हो गया, 160 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, 160 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए 20 40 हाँ टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा। 80 क्वेश्चन आएगा और आपको 1 घंटा का टाइम लगेगा, 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करना है। और उसके बाद से 1 घंटा में तो आपको 80 क्वेश्चन करना है। और यह भी देखिएगा इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसमें लमसम माइनस मार्किंग है, देखिए 0.2 का शायद माइनस मार्किंग है, नहीं निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क है निगेटिव मार्किंग, यानी 0.5 मार्क का निगेटिव मार्किंग है। देखिए अभी माइनस मार्किंग इसमें कितना, निगेटिव मार्किंग कितना है, 0.5 मार्क का निगेटिव मार्क है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा सिलेबस रीजनिंग पूछेगा 40 नंबर का, जीके पूछेगा 40 नंबर का, मैथ पूछेगा 40 नंबर का, इंग्लिश या हिंदी में से कोई आप एक विषय चुनेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 40 नंबर का वो भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इतना क्वेश्चन पढ़ना है और इसके पढ़ने के लिए मात्र 2 महीना का समय दिया है। और जो बच्चा 2 महीना में जो आज से लेकर प्रतिदिन 5 से 6 घंटा पढ़ेगा वही निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। और जो पहले से पढ़ा होगा तो उसे केवल रिविजन करना है, तो वो तो उसको तो किसी, तो जो पहले से पढ़ा हुआ उसका तो हो ही जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ जैसे कि इसमें कितना दौड़ चाहिए। तो जो फीमेल होगा, मेल होगा, मेल के लिए उसे 5 किलोमीटर दौड़ना है दौड़, और वो भी 24 मिनट में दौड़ना है 5 किलोमीटर। और उसके बाद से लमसम 5 किलोमीटर का तो फिर ठीक हो गया,
मेल के लिए हो गया, और उसमें देखिए फीमेल के लिए, फीमेल के लिए है हम लोगों का 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर वो आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है कितना, 1.6 किलोमीटर यह फीमेल के लिए। और मेल के लिए कितना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, इतना दौड़ना है। और उसके बाद से अब हम देखते हैं जैसे कि इसमें हाइट, अब इसमें तो योग्यता तो मैं बता ही दूँ, जो हाई स्कूल पास होगा वही भरेगा। और उसके बाद से यह कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो, कंप्यूटर पर इसका पेपर होगा, रिटर्न नहीं होगा लिखित, जो कंप्यूटर पर पास होगा कंप्यूटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और उसके बाद से यहाँ पर कुछ और देखिए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कितना हाइट चाहिए, कितना अथी चाहिए, वो सब दिया हुआ है। हाइट लमसम आपका 160 हमें लग रहा है कि फीमेल मेल के लिए मांग रहा है, लमसम आप 5.5 फुट से थोड़ा ऊपर होंगे तो है क्या दिया है, देखिए मेल के जो होगा, मेल के लिए इसमें हाइट होगा, पुरुष के वर्ग के लिए हाइट होगा 170 सेंटीमीटर दिया है पुरुष के लिए। और उसके बाद से फीमेल के लिए दिया हुआ है कितना, फीमेल के लिए दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर, इतना हाइट चाहिए। मेल के लिए कितना दिया, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। आप उसके बाद से इसमें जैसे कि कुछ छूट दिया है जो एससी वर्ग के हैं और एसटी वर्ग के हैं, तो अब देखिए जो शेड्यूल कास्ट का है, जो एससी वर्ग के होंगे तो उसमें मेल के लिए दिया, जो एससी में आएगा यहाँ पर लिख रहे हैं, जो एससी में आएगा शेड्यूल कास्ट में, और वो फीमेल होगा, मेल होगा, मेल के लिए 162 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद से फीमेल के लिए दिया है 150 सेंटीमीटर हाइट, जो एसी वर्ग में आएगा उसके लिए मेल के लिए हाइट कितना दिया, 162 दिया है, और फीमेल के लिए कितना दिया, 150 दिया है। और उसके बाद से एसटी में जो आएगा उसके लिए मेल के लिए दिया है 157 दिया है, और उसके बाद से आपका दिया है 147 दिया है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हाइट कितना दिया, 147 दिया है, और एसटी के लिए 157 दिया है। उसी प्रकार और भी देखिए दिया है, उसमें सब छूट दिया हुआ है, लेकिन अब इतना ही बस जानिए। लेकिन अब देखिए इसका कैसे तैयारी किया जाए, तो अब देखिए तैयारी करने के लिए आपको इसी समय कम से कम 5 घंटा तो प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, जो भी 5 घंटा पढ़ेगा वही निकाल पाएगा। अगर 1-5 घंटा वह नहीं पढ़ पाएगा, एक प्रतिदिन आप 5 घंटा पढ़िएगा तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं 5 घंटा पढ़िएगा तो नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग यह SSC GD 2022 का नोटिफिकेशन समझ में आ गया।